कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी तो कर दी, लेकिन अभी कैबिनेट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लिस्ट तैयार थी, लेकिन विरोध को देखते हुए राहुल गांधी ने इसे होल्ड पर कर दिया। इसी बीच चार दिन में तीसरी बार पंजाब के नए सीएम चन्नी दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके साथ पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को भी बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। उस दौरान हुई बैठक में राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरीश चौधरी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और अजय माकन शामिल हुए थे। इसके बाद पूर्व पीसीसी चीफ सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बाद में खबर आई कि कई नेताओं की नाराजगी को देखते हुए लिस्ट को रोक लिया गया। इसके बाद राहुल ने सिद्धू और चन्नी से मुलाकात की। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नए नामों पर बात बन गई है। सूत्रों ने बताया कि चन्नी और पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच पंजाब मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम तय करने को लेकर चली चर्चा के बाद सामने आया कि पिछली अमरिंदर सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों को छुट्टी की जाएगी। कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह के बेहद खास गुरप्रीत सिंह कांगर, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और साधु सिंह धर्मसोत को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि चन्नी की कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। इस लिस्ट में अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। सूत्रों ने जो लिस्ट साझा की है उसमें ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरजीत, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, डॉक्टर राजकुमार वेरका, भारत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगला, गुरकीरत कोटली के नाम शामिल है। वहीं सीएम का पद नहीं मिलने से सुनील जाखड़ नाराज थे, लेकिन राहुल से मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। उन्होंने अब चन्नी की ताजपोशी को ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर सामाजिक भेदभाव की बाधाओं को तोड़ा है। चन्नी अनुसूचित जाति से आने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री है। यह साहसिक फैसला सिख धर्मों के मूल्यों में निहित है और यह न सिर्फ राजनीति बल्कि राज्य के सामाजिक ताना-बाना के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।